अपादान कारक पंचमी विभक्ति चिन्ह से या अलग होना। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। उदाहरण, वृक्षात पत्राणि पतंति, इट मीन्स वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण देखिए, आकाशात जलम वर्षति, आकाश से पानी बरसता है। पर्वतात नदी वहती, पर्वत से नदी बहती है। अहम गृहात बहि गच्छामि, मैं घर से बाहर जाता हूँ। त्वम विद्यालयात आगच्छसि, तुम विद्यालय से आ रहे हो। छात्राः अध्यापिकभ्यः पठन्ति, छात्राएं अध्यापिका से पढ़ रहे हैं। बालकः वानरेभ्यः भीतः अस्ति, बालक वानरों से या बंदरों से डरता है। धनात विना सुखम न भवति, धन के बिना सुख नहीं होता है। परिश्रमात विना सफलता न भवति, परिश्रम किए बिना सफलता नहीं मिलती। विद्यायाः विना जीवनम निरर्थकम भवति, विद्या के बिना हमारा जीवन निरर्थक होता है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से बारिश गिरती है। कक्षायाः बहिः प्राचार्यः तिष्ठति, कक्षा के बाहर प्राचार्य खड़े हैं। गंगा हिमालयात निस्सरती, गंगा हिमालय से निकलती है। पाठशालाभ्याम बहिः वृक्षाः सन्ति, पाठशाला के बाहर बहुत सारे वृक्ष है या वृक्ष है। विशेषः बहिः धातु भी तथा विना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। शब्दार्थः वर्ड मीनिंग्स, पत्राणि पत्ते लीव्स, वहति बहती है फ्लोज, वर्षति बरसता है इट रेन्स, वानरात बंदर से फ्रॉम द मंकी, भीतः डरा हुआ अफ्रेड, कक्षायाः कक्षा से फ्रॉम द क्लास, प्राचार्यः प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल, तिष्ठति ठहरता है स्टेज, निरर्थकम बेकार या व्यर्थ यूजलेस, निस्सरती निकलती है कम्स आउट ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon to stay updated. Your comments and suggestions are valuable to us.